Welcome back. The opposition in Punjab is mounting an attack on the Aam Aadmi Party government in the state over the killing of singer Sidhu Moosewala. They've slammed the law and order situation in the state of Punjab and have blamed the state government for reducing the security of Moosewala. और जिस तरह से पंजाब में ड्रामाई तरीके से एक के बाद दूसरे फैसले लिए गए और खासकर सिक्योरिटी रिलेटेड 400 लोगों को सिक्योरिटी विड्रा हम कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर उस लिस्ट को पब्लिश करना, और जिसके बाद में उन्होंने ये भी डिफरेंशिएट नहीं किया कि एक लोकल आदमी को सिक्योरिटी विड्रा करना अगर ऐसा कोई इनपुट है तो कोई एतराज़ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जिस लेवल से ये फैसला हुआ, ये मरकजी सरकार ने लिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अगर ये फैसला लिया, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने अगर ये फैसला लिया जिसकी वजह से इनका मर्डर हुआ, हम चाहते हैं कि इसका सीधे केस एफआईआर उस अथॉरिटी पर लगना चाहिए जिसने इसको निहत्थे आवाम में डाल दिया, जिसकी वजह से इनकी हत्या। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आप सरकार को और केंद्र सरकार को, आप तो जंदर बग्गा के ट्वीटों पे लड़ना बंद करो, आप सीरियसली सिर जोड़ो। ये जो एंटी सोशल एलिमेंट बाहर के देशों में बैठ के पंजाब में जो लहू का नंगा नाच करें, उनको लाके कानून के कटहरे में खड़ा करें। दूसरा मैं कहूँगा कि इमीडिएटली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फर्ज बनता है कि पंजाब को आग लगने से बचाए। वो हाई लेवल कमेटी की इंक्वायरी यहाँ से करवाएं, दिल्ली से इंडिपेंडेंट एजेंसी से करवाएं, ताकि पता लग सके कि थ्रेट परसेप्शन के होते हुए सिद्धू मूसेवाला जी की सिक्योरिटी वापस क्यों दी गई। और दूसरा, ये लिस्ट जो है इसको लीक किसने किया, ताकि सभी को पता चल जाए कि ये आदमी आज बिना सिक्योरिटी के साथ है। ये एक बहुत बड़ी चूक है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जे पंजाब सरकार आ गलत फैसले ना कर दी, आज सिद्धू मूसेवाला जी अपने विच होंदे। जेड़ा सिक्योरिटी दा थ्रेट है, आ एक कमेटी तय करती हुंदी है, चीफ मिनिस्टर नहीं तय करता किनू किन्ने सिक्योरिटी मिलनी चाहिए है। पंजाब पुलिस दे अंदर एक सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन दी कमेटी है। पहली बार होया कि मुख्यमंत्री के अपने भगवंत मान ने सू मोटर ऑर्डर करता कि इन्ना लोगों दे सिक्योरिटी खत्म कर दियो। ते सब तो माड़ी गल कीती कि अखबारां विच ना दिते गए कि इन्हां दी सिक्योरिटी अज इन्नी रह गई है, इन्हां दी खत्म कर दिती है, जेड़ी चीज़ एक कॉन्फिडेंशियल मैटर है। नहीं करनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, और इतना जल्दी जल्दी में फैसले नहीं लेने चाहिए। पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, इसमें बहुत सोच विचार करके जिन लोगों को वैसे तो पब्लिक में भी शाया नहीं करना चाहिए, पर्दे से उनको सिक्योरिटी का उनका ड्यूटी बनती है। चोर ने बहुत मेजोर तरीके से, वो एक तो बॉर्डर स्टेट है, दूसरा वहाँ का माहौल ही ऐसा है, आपने देखा होगा शुरू से थोड़े नेचर भी ऐसी है, हम पंजाबियों के एग्रेसिव से हैं थोड़े से, तो जज्बाती कहना चाहिए, जज्बाती हैं, तो उस जज्बात को मालिक के ध्यान में, संगीत में, स्पोर्ट्स में लगाए प्लीज़। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आप सरकार को और केंद्र सरकार को, आप तो जंदर बग्गा के ट्वीटों पे लड़ना बंद करो, आप सीरियसली सिर जोड़ो। ये जो एंटी सोशल एलिमेंट बाहर के देशों में बैठ के पंजाब में जो लहू का नंगा नाच करें, उनको लाके कानून के कटहरे। देयर इज अ नीड टू ब्रिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पावर टू बेयर टू इंश्योर दैट द लॉ एंड ऑर्डर एंड हार्मनी ऑफ द स्टेट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू एंड दे शुड नॉट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ अ पॉलिटिकल टू टू मेमे। दिस इज एन एक्सट्रीमली सीरियस इशू बिकॉज if the peace of a border state gets disturbed, it can have various other implications, and Punjab has seen that playing itself out in the past. And so therefore I would again like to request the Chief Minister Shri Bhagwant Mann that take your police into confidence. They are a very competent bunch of people,
and ensure that the law and order of the state is tranquil. A lot of questions that still remain unanswered as far as the shocking killing is concerned. In